दुनिया और कोरोना वायरस के बीच खेल चल रहा है। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, जापान, नेपाल, चीन और रूस समेत 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी 40 केस आ चुके हैं, जिसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरी लहर क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ही सवार होकर आएगी। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। मंगलवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया और शाम ढलते ढलते इसे बदलकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी घातक वेरिएंट घोषित कर दिया गया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 40 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेने की एडवाइजरी भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दी है। प्रेजेंट रिगार्डिंग डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस, आई कैन जस्ट सबमिट द डेटा दैट यस, अप्रोक्सीमेटली 21 नंबर्स हैज बीन फाउंड आउट इन अ सैंपल ऑफ 7500 व्हिच वर कलेक्टेड सिंस 15th ऑफ मे टिल टू डेट। So now we have given instructions to all my subordinate officers that the index cases of these Delta plus variant should be monitored very closely. भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब डेल्टा वेरिएंट ने म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस का रूप ले लिया है। अभी तक के वैज्ञानिक शोधों के आधार पर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अब तक का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट माना जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। हालांकि अभी तक डेल्टा प्लस के असर को लेकर कोई भरोसेमंद रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन खतरा जताया जा रहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण भी कोरोना का यही डेल्टा प्लस वेरिएंट बन सकता है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, और रादर ये पॉसिबल है कि अगर आपको पहली बार कोरोना हो चुका है, आपको 6 से 8 महीने हो चुके हैं, आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कम हो रही है, तो डेल्टा प्लस आपको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। डेल्टा प्लस के आपको डेल्टा वायरस भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि अगर आपको इन्फेक्ट हो चुके हैं तो आप वैक्सीन लगवाइए। पहले डेल्टा और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट इस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा 9 देशों में पाया गया है। डेल्टा प्लस की आहट के बीच डेल्टा वाली चिंताएं सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट इस कदर फैल चुका है कि वहां 90% से अधिक नए मामलों की वजह डेल्टा वेरिएंट है। अमेरिका में आने वाले कोविड के नए मामलों में भी 20% से अधिक में संक्रमण की वजह डेल्टा वेरिएंट ही है। The vaccines we have do protect well against the Delta variant. So if ever there was a reason to get vaccinated, it's right now, because we're seeing this Delta variant double every 2 weeks. We're up to 20.6% of the isolates now are Delta variants. A few weeks ago, it was like 2 or 3 or 4%. Delta or Delta plus variant ko lekar sabse bada sawal ye hai ki in dono variant par corona vaccine kis had tak kargar hai. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट पर असर के शोध जारी हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।